राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेबल लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और हमने प्रीवियस ईयर बेस ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, और अगर आप RPO की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CPO की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही GS पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर एक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, और ये क्वेश्चन जो है आपको RPF के एग्जाम में देखने को ज़्यादा मिलेंगे, तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों को। देखो क्वेश्चन क्या है, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है बस्तर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो ये बनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बस्तर दशहरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर दो है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नृतक नहीं है? तो यहाँ पे आपको चार नाम दिए गए हैं, तो आपको देख के बताना है कौन पेशेवर रूप से भारतीय शास्त्रीय नृतक नहीं है। तो वो है श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल जो है भारतीय शास्त्रीय नृतक नहीं है, ये एक सिंगर है। बाकी दिए गए तीनों ऑप्शन भारतीय शास्त्रीय नृतक से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, काफ़ी बारी भारतीय शास्त्रीय नृतक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक बार ये चीज़ों को पढ़ लेना है किस किस प्रकार के हमारे भारतीय शास्त्रीय नृतक हैं और किस किस प्रकार के भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उनके बारे में पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बारी देखे भी गए हैं, तो इसलिए इसको ज़रूर आप पढ़ लेना एक बारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर तीन है, उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो इनको सरोद के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर चार है, दिल्ली में आयोजित MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी बने। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर पाँच है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR है? तो किस मंत्रालय के अंदर CSIR आता है? तो वो मंत्रालय है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, CSIR वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर छः है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आपको बताना है, जैसे कि ये गोल लाइन है और ये पेनल्टी स्पॉट है, तो ये दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। तो ये दूरी जो होती है 12 गज की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड वाला इसका राइट आंसर बनेगा। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बारी पूछा गया है, और RPF के अंदर ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर सात है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरा खतरा कहता है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आपको क्वेश्चन की लेंथ देख के डरना नहीं है। तो जो ये अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 20(2)
20:2 के अंदर ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 20 के अंदर ये बात की गई है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है, इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। ऑप्शन थर्ड वाला राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आयुष्मान भारत योजना कुछ इस प्रकार की जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो स्कीम निकाली जाती हैं वो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो वो कौन सा राज्य है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू किया है? तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान ने स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है? तो माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित जो योजना नहीं है वो है उज्ज्वला योजना। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में। तो आपको एक ही जगह पर सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए PDF में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों पर आके मिलते हैं। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की अपरिष्कृत जन्म दर क्या है? तो भारत की अपरिष्कृत जन्म दर 21.8% है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, कभी कभार इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, साल बबूल और बांस जो शुक्र उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं, वार्षिक वर्षा कितनी मात्रा में प्राप्त करते हैं? तो ये वार्षिक वर्षा 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक प्राप्त करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऋण नियंत्रण का गुणात्मक माप है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऋण नियंत्रण गुणात्मक माप है नैतिक प्रेरणा। ऑप्शन बी यानी कि केवल बी ही इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षैतिज रूप से स्थित बार चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में तटस्थ बिंदु है, तो वो तटस्थ बिंदु है वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को डैश भी कहा जाता है? तो ग्राम एवं लघु उद्योग समिति को कार्वे समिति भी कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है, तंजोर का राज राजेश्वर मंदिर किस राजवंश के शासक द्वारा बनाया गया था? तो तंजोर का राज राजेश्वर मंदिर चोल राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, मंजू बरगावी ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो
इन्होंने कुचिपुड़ी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। और आपको पढ़ना है कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम किस राज्य के ये शास्त्रीय नृत्य हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बारी एग्जाम के अंदर ये डायरेक्टली पूछ भी लिया जाते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। तो भारत में पहला रेडियो शो 1923 में प्रसारित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, काफ़ी बारी ये डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तु से संबंधित है। तो सार्वजनिक वस्तु से संबंधित है, इसके उपभोग में फ्री राइडरशिप मिलने की संभावना है, ये एक सार्वजनिक वस्तु से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर बनेगा। और आप देख सकते हो किस प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों, यहाँ पे हमने टॉप 20 क्वेश्चन देखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक लगाने हैं। और इससे संबंधित मैंने 4 से 5 वीडियो बनाई हैं, जिनका मैंने आई बटन पे लिंक ऑलरेडी दे दिया है, तो उन वीडियो को भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। जीएस की किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है आरपीएफ, सीपीओ या अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैंने रीजनिंग संबंधित वीडियो बनाई है, मैथ संबंधित वीडियो बना रखी है, तो वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डालता हूँ पीडीएफ में, तो एक ही जगह पर आपको सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल भी जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।